आज के इस खुशनुमा माहौल में मंच पर विराजमान जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी जिनके साथ मैंने लंबे समय तक एक सहयोगी के नाते काम किया, ऐसे हमारे सतपाल जैन जी, हमारे पंजाब के राज्यपाल सम्मानीय बनवारी लाल पुरोहित जी, हमारे हरियाणा के राज्यपाल सम्मानीय बंडारू दत्तात्रेय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ साथी सौदान सिंह जी, और यहाँ चंडीगढ़ के सभी सज्जन वृंद समाज में जिनका अपना स्थान है, ऐसे हमारे वरिष्ठ चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाले ऐसे हमारे देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला। 5-6 दिन पहले सत्ता जी से फोन पर बात हो रही थी, तो उसमें इन्होंने बताया कि आप चंडीगढ़ आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ, तो कहा वो मेरा जन्मदिन भी है। मैंने कहा जरूर प्रयास करूँगा कि आपके साथ इस खुशी के अवसर पर आपके साथ हमारा मिलना हो, और उसी कार्यक्रम में मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से सतपाल जैन जी को आज के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सतपाल जी का सारा जीवन एक अपने आप में कठोर तपस्या के साथ, विचारों के साथ समावेश करते हुए अपना एक समर्पित जीवन रहा है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने एक मुकाम हासिल किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने विधि क्षेत्र में भी अपना एक स्थान अपना बनाया और अपनी एक थाथी बनाई है। ये एक तरीके से कहा जाए तो he has been an asset to भारतीय जनता पार्टी एंड his contribution has been great. I again congratulate him on this auspicious day. May God give him long life and a meaningful life, healthy life, and हमेशा समाज के प्रति समर्पित होकर के आप समाज के लिए पूरी ताकत के साथ काम करें, ऐसी हम सब की इच्छा भी है, अभिलाषा भी है, और भगवान से प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र दे, आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, और समाज के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आप सदा सदा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।